नमस्कार दोस्तों, बिहार ग्रामीण कार्य विभाग में बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। 16,000 पदों पे भर्ती आने वाली है और इसकी घोषणा जो है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की ओर से कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी देखने वाले हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए Study24 बिहार को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों, निम्न वर्गीय लिपिक की भर्ती भी आने वाली है, तो बिहार SSC की ओर से ये जारी की जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में भी जानेंगे और इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। देखिए, ये जो पंचायतों में लेखापाल वगैरह की भर्ती होने वाली थी, तो इसकी वीडियो पहले ही बन चुकी है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा देखिए, राज्य के यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालयों में लगभग 20 साल के बाद कर्मियों की होगी बहाली, तो इसके भी बारे में कुछ जानकारियाँ हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। और जो विश्वविद्यालय में भर्ती आएगी दोस्तों, इसकी भी जो अधिसूचना है वो कर्मचारी चयन आयोग को सौंपी जाएगी, ठीक है। तो बिहार SSC की ओर से ही इसको भी जारी किया जाएगा, तो हम लोग पूरी जानकारी देखने वाले हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग आज के बारे में देख लेते हैं, जो आज का बिल्कुल नया खबर है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तेजस्वी यादव की ओर से घोषणा की गई है, ग्रामीण कार्य विभाग में 16,000 पदों पर नई नियुक्तियाँ होंगी। तो क्या क्या कहा गया उनके द्वारा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में आपको ले चलता हूं। देखिए, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने रविवार को कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग में 16,000 नई नियुक्तियां होंगी। ये नियुक्तियां तकनीकी से लेकर सहायक कर्मचारियों तक के पदों की होगी। कौन कौन से पद होगा इसका खुलासा नहीं किया गया है और ना ही इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं इसकी खुलासा अभी भी नहीं की गई है। तो इसका मकसद जो है, विभाग में मानव बल की कमी को दूर कर ग्रामीण सड़कों का तय समय में निर्माण और बेहतर रखरखाव करना। उप मुख्यमंत्री ने यह बातें रविवार को ज्ञान भवन में बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण के 22वें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए 22वें आम सभा और विभागीय समीक्षा में कहा गया था। अब यहाँ पे आगे देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे बताया गया है, ये देखिए यहाँ पे जो बताया गया कि गौर हो कि 31 मई को ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण पथों के रखरखाव का जिम्मा भी जो है विभाग को खुद निभाने का निर्देश दिया था। इसके लिए जितने अभियंता व कर्मियों की दरकार हो उनकी बहाली जल्द करने को कहा गया था। इसी के मद्देनज़र डिप्टी CM सह विभागीय मंत्री तेजस्वी यादव, यानी कि जो विभागीय मंत्री हैं, ग्रामीण कार्य विभाग का जो प्रभार है इनको ही दिया गया था, तेजस्वी यादव को, तो इन्हीं की जिम्मेदारी बनती थी कि घोषणा भी की जाए, तो घोषणा कर चुके हैं। घोषणा के बाद शीघ्र ही बहाली की प्रक्रिया आरंभ होगी। उप मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने इस विभाग को जिम्मेदारी दी है, इसलिए उनकी कोशिश बेहतर है। तो ये सब बातें जो है उनके द्वारा कहा गया था और इसमें जो बहुत सारे लोग मौजूद थे, ये सब बातें जो है कही गई हैं। तो देखते हैं अब कब तक ये वैकेंसी आती है। तो उम्मीद तो यही कर सकते हैं कि 23-24 तक में ये कंप्लीट हो जाए, यही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन जो अखबारों में आती है वो अखबारों में ही रह जाती है, ये आप लोगों को भी पता है। तो ज़्यादातर जो वैकेंसियाँ वो अखबार में ही रह जाती हैं, तो इसकी गारंटी तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अगर ये वैकेंसी आती है तो आपको पल पल की जानकारियाँ जो है आप लोगों तक उपलब्ध करवाता रहूंगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब फिलहाल देख लेते हैं, ये जो आने वाली है ये कंफर्म है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि ये कंफर्म है, निम्न वर्गीय लिपिकों की पदों की रिक्तियां मांगी गई हैं सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से, जिसमें देख सकते हैं सचिवालय, बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के कर्मियों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फिलहाल सभी विभागों और प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालयों से रिक्त पड़े पदों की सूची मांगी गई है। सूची जैसे ही उपलब्ध होगा, आरक्षण बार सूची मांगा गया है, तो जैसे ही इसमें उपलब्ध होता है इसके लिए बिहार SSC की ओर से वैकेंसी आ जाएगी। देखिए, ये कर्मचारी चयन आयोग को, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जाएगा। इसके अलावा इस सेवा के कर्मियों की वरीयता सूची भी प्रकाशित कराई जाएगी। तो जैसे ही इसकी कैटेगरी वाइज सीटें आ जाती हैं जिलों से, तो ये वैकेंसी जो है आपका पहुंच जाएगा बिहार SSC के पास और ये जो है जल्द से जल्द वैकेंसी बिहार SSC की ओर से निकाली जाएगी।
अब नेक्स्ट है दोस्तों, देख सकते हैं राज्य के विश्वविद्यालयों में भी भर्ती आने वाली है, तो इसमें भी देख सकते हैं अच्छी खासी वैकेंसी होगी। तो देखिए यहाँ पे 40% जो है 40% कर्मी बचे हैं विश्वविद्यालय में, 3 कर्मियों का कार्य कर रहा 1 कर्मी, यानी कि 60% सीटें जो हैं विश्वविद्यालय में खाली हैं। और कितने तो पद जो हैं वो आउटसोर्सिंग से भर के चलाया जा रहा है, किसी तरह से प्राइवेट से चलाया जा रहा है, तो ये सब जानकारियां जो हैं इसमें दी गई हैं। अब देखिए यहाँ से देख लेते हैं कि राज्य के विश्वविद्यालय और अंगीभूत महाविद्यालयों में तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति होगी शिक्षा विभाग। और देखिए इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से देख सके, तो और से भी सभी विश्वविद्यालय से रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां मांगी गई हैं, यानी आरक्षणवार रिक्तियां मांगी गई हैं। कई ने रिक्तियां भेज भी दी हैं, वहीं कई की भेजी रिक्तियां में खामियां थी, लिहाजा उसमें सुधार करने को दोबारा कहा गया है। विभाग की ओर से रिक्तियों की गणना की जा रही है, जल्द ही तृतीय श्रेणी के कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब देखिए शिक्षा विभाग की ओर से बिहार कर्मचारी चयन आयोग को नियुक्ति का जवाबदेही सौंपा जाएगा। और इधर कई कुल सचिव, यानी टोटल जो जितनी भी वैकेंसी आने वाली है लगभग ग्रुप सी हो गया, ग्रुप डी वगैरह का, तो वो सारे के सारे पद जो है वो बिहार SSC की ओर से निकाले जाएंगे। तो जैसे जैसे इन सब वैकेंसियों की जानकारी आती जाएगी, इसके बारे में आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारियाँ आपको अच्छी लगती होंगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।